कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल, जितना बाहर है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अंदर है। बिल्कुल, जो हमें बाहर अपीयर होता है या जो इमिनेंट है या जो अपरेंट है, वो सारे जो बिहेवियर्स होते हैं, जैसे मुंह टेढ़ा कर लेना, आंखें बंद कर लेना, ज्यादा मतलब मुंह को अपने लिप्स को इंटैंगल हो जाना, दीज आर ऑल द प्राइमरी बिहेवियर विच आर सीन या विच आर ऑब्जर्वेबल टू अ पर्सन हु इज आउटसाइड। बट वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वॉट नीड्स टू बी टैकल्ड एंड लुक इन टू इज दिस सेकेंडरी थिंग और वॉट लाइज बीनीथ दैट बिहेवियर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एज सर वाज आल्सो सेइंग, डिनायल, फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन, शेम, एंग्जाइटी, सारे जो नेगेटिव वर्ड है सारे के सारे उठा करके अच्छे अच्छे वोकैबुलरी सारे यूज रिलेटेड हैं, ये सब है जो हमारे सेकेंडरी बिहेवियर है एंड विच फॉर्म्स द कोर, दैट इज द 90% ऑफ द स्टैम्पिंग। इट इज लाइक जो हमारा, दिस इज इक्विवेलेंट टू हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड द सब कॉन्शियस माइंड, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है दैट फॉर्म्स 90% ऑफ द माइंड एंड विच टेक्स ऑल द डिसीजन। सिमिलर टू दिस फैक्ट, द सबकॉन्शियस माइंड इज रिलेटेड टू ऑल दिस फियर्स विच प्लेज अ मेजर पार्ट इन आवर स्टैम्पिंग। So the basic aim is to change the secondary behavior from denial to acceptance, from fear, courage, shame, pride, anxiety, comfort, isolation, community, guilt, kindness, hopelessness and hope. I think so you would be able to understand, or do we need to explain?